बदलते भारत की शान। कार्यक्रम में मैं हूँ आदित्य शर्मा। दोस्तों, लगातार ठंड बढ़ रही है। वैसे तो आम धारणा है कि ठंड लगने से लोग बीमार हो जाते हैं, जबकि बता दें आपको ये अधूरा सच है। बता दें कि बीमारी की गिरफ्त में वायरस ले जाता है, ना कि ठंड। बता दें कि जिंदगी खतरनाक सर्दी होती है और जितनी खतरनाक होती है उससे ज्यादा खतरनाक होता है कोहरा। जी हाँ, क्योंकि कोहरे में प्रदूषण और हानिकारक रसायन मौजूद होता है जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और इसी मौसम में जहाँ सर्दी, जुकाम, बुखार के अलावा हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों में दर्द सताने लगता है, तो कई लोग ठंड में खूब घी तेल खाना भी पसंद करते हैं। नतीजा क्या होता है, पेट की समस्याएं तंग करने लगती हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान इम्यून सिस्टम मजबूत रखना जरूरी हो जाता है। बहरहाल, आज हम जानेंगे खासतौर पर उन लोगों के बारे में जिन्हें सर्दी में अधिक खतरा हो सकता है, साथ ही समझेंगे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद पद्धति के तहत हम क्या कर सकते हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज कौन सी सावधानियां रखें, छोटे बच्चे और बूढ़े और साथ ही साथ हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विषय पर। विषय बता देते हैं आपको, विषय है आज के हमारे कार्यक्रम का, बढ़ती ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं कैसे रखें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत। जी हाँ, किस तरह से मजबूत रख सकते हैं हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें आपको, कॉमन कोल्ड और वायरस से होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके संबंध में ही आज हम बात करने वाले हैं। आपको सवाल पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप हमें कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर क्या है आइए आपको बताते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60 और 1800-1130-61 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले एक घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिसका कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। बता दें आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद है, आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील रहेजा। बता दें आप हेल्थ सर्विसेज के डीजी और जीवी पंत हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ आयुर्वेद साइंस से हैं डॉक्टर डीसी कटोस। बता दें आप वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में डिप्टी एडवाइजर भी रह चुके हैं। डॉक्टर कटोस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञों का स्वागत हमने कर लिया है, परिचय आपसे करवा दिया है। आज के हमारे कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है और हमारी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। आइए नजर डालें हमारी रिपोर्ट पर। मौसम सर्दी का कांपने लगा है पूरा उत्तर भारत, चारों तरफ धुंध और कोहरे की चादर, तापमान में हो रही लगातार गिरावट। ऐसे में लिहाज से निकलने का मन हुआ किसे करते, कोई नहीं चाहता कि वो अपने लिहाज से बाहर निकले, ये मौसम बेहद अच्छा है और इस मौसम का मजा भी हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ये मजा तब तिरकिरा हो जाता है जब आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको ही बीमार बना देती है। कुछ लोग इस मौसम में खूब खाते हैं तो कुछ को लगता है जल्दी से ये मौसम निकल जाए तो अच्छा हो, लेकिन सच तो ये है कि गिरते तापमान से बीमारियां भी बढ़ जाती है। सर्दी का मौसम सबके लिए मिला जुला संदेश लेकर आता है, लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है यानी जिनका इम्यून पावर कमजोर होता है वे इस मौसम के शिकार आसानी से हो जाते हैं। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और ब्रोंकाइटिस के अलावा
कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं, त्वचा में रूखापन आ सकता है, एलर्जी हो सकती है और कानों में भी इन्फेक्शन हो जाती है। अगर भी वृद्धों की बात करें तो ठंड के बढ़ने के साथ उन्हें जोड़ों का दर्द परेशान करने लगता है। जैसे बच्चे या फिर ये लोग जो हृदय रोग, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ जाता है। गौरतलब है कि तापमान की कमी से शरीर की नसें सिकुड़ने लगती है और नसों के सिकुड़ने से ब्लड सर्कुलेशन में होने वाला बोझ प्रभाव सीधा दिल पर यानी हार्ट पर पड़ता है, इस कारण अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बता दें इस मौसम में जहां अधिक ऊर्जा वाला भारी भोजन या फिर तली भुनी या फिर चटपटी चीजें खाने से मन बुझा बुझा है और शरीर सुस्त हो जाता है, उन्हें खूब सोने की इच्छा होती है। बस यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर की अधिकता से व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और यदि कुहासे की यानी फॉग की यानी धुंध की बात करें तो आमतौर पर धुंध से जहाँ श्वसन यानी सांस की परेशानी या दमा का इफेक्ट हो सकता है, तो इसी मौसम में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर होने का भी खतरा रहता है। जी हाँ, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिससे व्यक्ति में मानसिक अवसाद, उदासी, निराशा और निगेटिव की यानी नकारात्मक सोच की समस्या हो सकती है। फिलहाल मौसम कोई भी क्यों हो, बेदर्द नहीं होता, जिंदगी और मौसम के रंग को बदलती ही रहती है, लेकिन इन बदलते उतार चढ़ाव में कोई जरूरत होती है तो फिर सावधानी की, सर्दी से बचाव की, आहार की और भूमि व्यायाम की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, जिंदगी और मौसम तो रंग बदलती ही रहती है, लेकिन जरूरी होती है सावधानी बरतने की। एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपने अभी देखी। आइए इसी के संदर्भ में हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनका रुख करते हैं, लेकिन आपको भी याद दिला दें कि आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। लेकिन जब भी आप कॉल करें दो बातों का ध्यान रखें, नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और साथ ही साथ जब भी कॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टीवी की आवाज जरूर कम कर दें, क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपके सवाल हम सुन नहीं पाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर रहीजा का यहाँ पर सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर रहीजा, सर्दी का मौसम है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है सर्दी, लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान भी हो जाते हैं इस सर्दी के मौसम से, तो किस तरह की समस्याएं हैं जो प्रभावित करती हैं स्वास्थ्य पर, सबसे पहले तो इस पर प्रकाश डालिए। सर्दी का मौसम एक हेल्दी सीजन है जी, स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन जरा सी सावधानी हटी और समस्या शुरू जी। सबसे जो ज्यादा कॉमन समस्याएं हैं सर्दी के मौसम में, जिसको हम कहते हैं सर्दी लगना जी, और जैसी सर्दी लगी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन का होना, जिसको हम कहते हैं वायरल फीवर जी, कॉमन कोल्ड जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस जी, ये सारी चीजें अधिक होती हैं। इसके अलावा आजकल जो इम्पोर्टेंट बात है COVID-19 और उसके साथ जो एक नया वेरिएंट हम ओमिक्रॉन जी चर्चा में है, तो इस समय इसके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो अभी जो इनिशियल डेटा बता रहे हैं इसकी ट्रांसमिसिबल ज्यादा है। और सर्दियों के मौसम में यदि आप क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि हम एक बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं जी, दरवाजे खिड़कियां बंद रखना पसंद करते हैं जी, तो ऐसे में अगर मास गैदरिंग है या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको कि वायरस है, तो ये एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आराम से ट्रांसमिट हो सकता है। और उसके विषय में हम आगे जाकर बात करेंगे, सिंपल सावधानी है, तमाम तरह की समस्याएं, इसके अलावा सीजनल इन्फ्लुएंजा कॉमन है और आपको हाइपोथर्मिया होना, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक अधिक होते हैं सर्दियों में। और ये देखा गया है कि हमारा जो जीबी पंत हॉस्पिटल में अगर यदि हम डेटा देखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह 3 बजे 2 बजे के बाद 5, 6, 8, 9 बजे तक ज्यादा अटैक होते हैं, क्योंकि ये सर्दी ज्यादा होती है और बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इस समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक
स्ट्रोक का होना, ब्रेन तमाम तरह की समस्याएं मौसम में ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, हमें सतर्क रहने की अब जरूरत है, किस तरह की और सावधानियां बरत सकते हैं जाने के लिए। कितने कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है। जाड़ा कहता है कि हम बच्चों से जोड़ेंगे नहीं, जवान है मेरा भाई बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, घोड़े का साथ रजाई। तो ऐसी दशा में जो बंद कमरे में जो है लोग अंगीठी जला देते हैं, उस समय मच्छर से बचने के लिए जो है मार्टीन जलाते हैं, पंखे तो जलाते नहीं, तो ये हमारे सेहत के लिए स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा हानिकारक है। जी डॉक्टर कटोच का कहना चाहेंगे, बंद कमरे में अंगीठी जला लेते हैं और धुआं भी हो जाता है, इससे किस तरह से स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है? देखिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बंद कमरे में जो है वो जो जीवाणु है उनके फैलने की जो है ज्यादा संभावना रहती है जी। तो क्या कहते हैं कमरे को जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा खिड़की खोल देनी चाहिए, और ज्यादा लोग जो है खास करके जो कोविड इन्फेक्शन जो हो रही है, कोविड का जो संक्रमण हो रहा है, तो उसमें से ध्यान यही रखना है कि जो डिस्टेंस है उसको जो है मेंटेन करना है, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। और सबसे बड़ी बात आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो हमारा जो पूरा साल है इस साल को जो है 6 ऋतुओं में जो है बांटा गया है, और 3 ऋतुएं जो है वो दक्षिणायन में होती है और 3 ऋतुएं जो है वो उत्तरायण में होती है। अब दक्षिणायन का जो काम है वो टाइम जो है खत्म होने वाला है, और ये दक्षिणायन का अंतिम जो है मतलब ऋतु है जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं, इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो सबसे कम होता है, और टेम्परेचर सबसे कम होने के बावजूद भी शरीर में जो शारीरिक बल है वो सबसे ज्यादा होता है, और कहने का मतलब जो पाचन शक्ति है वो भी सबसे ज्यादा होती है, शारीरिक बल भी ज्यादा होता है और पाचन शक्ति भी ज्यादा होती है। तो अगर सेहत अगर बनानी है तो अगर सही प्रकार से जो है एक्सरसाइज अगर की जाए, सैर की जाए, तो उससे जो है सेहत बन सकती है, परंतु पर्याप्त निद्रा लेना, पर्याप्त जो है वो आहार पोषक आहार लेना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। परंतु जो विहार है हमका, जैसे आप रात के सोने के बारे में बात कर रहे हैं या दिन के सोने की बात कर रहे हैं कि कमरा जो है अगर बंद रखेंगे तो अंदर जो है संक्रमण की संभावना जो है बढ़ जाएगी, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी जो है वो रोग हो सकता है। जी हिमांश स्वरूप मिश्रा जी, क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर रहेजा आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कि इस मौसम में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स की संभावनाएं रहती हैं, तो क्या वजह होती है, किस वजह से ये समस्याएं इस मौसम में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, और किस तरह की सावधानियां यहाँ पर हमारे हार्ट पेशेंट्स को बरतनी चाहिए? डेफिनेटली इस समय जो टेम्परेचर काफी लो है तो जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलते हैं जी, जैसे अर्ली मॉर्निंग कुछ व्यक्ति सैर करने के लिए चले जाते हैं, अगर उन्होंने ठीक से कपड़े वगैरह नहीं पहने, अपने आप को कवर नहीं किया है, तो जैसे सर्दी में जाएंगे हमारा जो स्किन है इसके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे कि एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी। दूसरा फिर अर्ली मॉर्निंग जो हमारे हार्मोन है स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी अपना एक टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन करना चाहती है, बाकी फंक्शंस को मेंटेन करना चाहती है जी। लेकिन जैसे ही चेंजेस आते हैं, वेरिएशन होते हैं, तो ऐसे में हमारे हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, और जब ये वर्कलोड बढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि हमारी जो धमनियां हैं वो सिकुड़ गई हैं, हार्ट को ज्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, हार्ट अटैक होने की समस्या बढ़ जाती है। इस तरह की सावधानी बरतने से आपसे जानेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर डॉक्टर रहेजा, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से यहाँ पर शैलेंद्र जी फोन लाइन पर है। हेलो शैलेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सर जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, जैसे जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जी मैडम जी अपना सवाल पूछिए। जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनका जैसे वायरल टाइप का बुखार आ रहा है मैडम, उनका अपन बचाव कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे 8-10 दिन हुए, 8-10 दिन का बच्चा है और बुखार की समस्या हो रही है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कटोच, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखिए उनके बचाव करने के लिए क्या सावधानी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नवजात शिशु है इसकी जो है इसका मतलब इसका बचाव जो है मतलब इसके लिए कई उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो माता है और घर के जो बाकी सदस्य हैं
वो उसमें स्मित जो है ज्यादा ना जाए, खास करके माता को तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि परमाता जो है वो अपना जैसे मास्क पहनना ये बहुत जरूरी है, और जब किसी अपने हाथों का अगर प्रयोग किया है तो उसको जो है धो ले, धोने के बाद जो है बच्चे को जो है उसके संपर्क में आए, और बच्चे को जो फीड देनी है तो फीड देने के लिए मतलब उसको दूध पिलाने के लिए जो है अपने स्तनों को पहले साफ कर ले, उसके बाद जो है उसको पिलाए, और बच्चे को जो है गर्म रखना बहुत जरूरी है जी। बहुत जरूरी है क्योंकि पहली सर्दी की जो ऋतु होती है उसमें जो है बहुत संभावनाएं होती हैं बच्चों के बीमार होने की, तो एक ये ध्यान रखना। और जो बुखार अगर हो गया तो आप जो है तुरंत जो है किसी चिकित्सालय के पास या किसी डॉक्टर के पास जाके जो है उसको बच्चे को दिखाएं अगर बुखार हो गया, घर में जो है अपना एकदम इलाज ना करें क्योंकि बच्चे जो है ना बोल पाता है। यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, जल्द से जल्द डॉक्टर का यहाँ पर रुख आपको करना है, यही आपके लिए एक बहुत ही अहम सलाह है और कुछ सावधानियां जरूर करना पड़ता है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे डॉक्टर रहेगा, सावधानियों के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे जरूरी बात है यदि आप सुबह उठते हैं तो एकदम सर्दी के मौसम में अर्ली मॉर्निंग जो व्यक्ति एल्डरली है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है या ऐसी समस्याएं हैं जिनको या जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है तो सुबह के टाइम एक तो सैर करने से बचें जी। यदि आप एक्सरसाइज करना जरूरी है ये हम रिकमेंड करते हैं, और सर्दियों में भी एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसमें यदि आप आउटडोर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो मिडिल पार्ट ऑफ द डे में करिए, जैसे कि 10 से 4-5 बजे के बीच में। जो व्यक्ति एल्डरली या रिटायर्ड है, हाइपरटेंशन है, उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल वेदर है। यदि इसके अलावा जो व्यक्ति ठंड में सुबह जाना चाहते हैं तो ठीक से अपने आप को कवर करें, मिनिमम 3 layers ऑफ क्लोथिंग हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जब हम लेयर्स ऑफ क्लोथिंग डालते हैं तो बीच में जो एयर है वो एक इंसुलेटर का काम करती है जी। तो उससे हमारे ठंड का बचाव होता है। सिर को अवश्य कवर करें, पैरों को मोजे डालें, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को अच्छे से कवर करें क्योंकि हर एक पार्ट को कवर करना आवश्यक है, और एकदम जी गर्म कमरे से ठंड में ना जाए क्योंकि ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये नुकसान देता है, हो सकता है जी बिल्कुल। तो देखिए इस तरह की सावधानियां आपको जरूर बरतनी है, और ये सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है, आप सभी को सावधानियां बरतनी है तभी तो अपने आपको आप स्वस्थ रख पाएंगे। बढ़ते हैं आगे मध्य प्रदेश से, रघुवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, मैं रघुवीर पंडा बोल रहा हूँ जी, जिला सागर मध्य प्रदेश से जी। अपना सवाल पूछिए रघुवीर जी। सवाल ये है कि जो बीपी के मरीज हैं उनको क्या सवेरे 5 बजे व्यायाम करना ठीक रहेगा जी? डॉक्टर को पूछ क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं क्या सुबह 5 बजे कर सकते हैं व्यायाम? देखिए डॉक्टर ने अभी पहले अभी बताया है कि सर्दी के दिनों में होता क्या है कि जो बाहर की जो ये त्वचा की और हाथ पैरों की जो खून की जो नाली है वो संकुचित हो जाती है, जिस करके जो है हार्ट को जो है ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि एक तो अपने आप को जो है गर्म रखना है, और दूसरी बात जैसे सुबह सुबह जो है क्योंकि सुबह सुबह जो है वो ठंड ज्यादा होती है, और जैसे आप गर्म कमरे में सोए हैं, रजाई ओढ़ के सोए हैं, कंबल ओढ़ के सोए हैं और फिर एकदम जो है बाहर जाएंगे तो वो एकदम खून की नाली और ज्यादा जो है एकदम जो है ज्यादा संकुचित हो जाएगी, तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर के और ज्यादा बढ़ने के जो है ज्यादा चांसेज है, हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेज है, तो उस वक्त जो है ये ना करें। जैसे धूप निकल आती है, धूप निकलने के बाद जो है धूप में बैठे हाथ पैरों को पहले अपने घर में ही जो है चला लें ताकि सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद जो है एक्सरसाइज करें, उसके बाद जो है सर हो जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। सुबह सुबह जब ज्यादा ठंड होती है तब एकदम से बाहर ना जाए, उस समय अगर घर में कर लें और थोड़ी देर बाद अगर आप शहर के लिए भी निकलते हैं जब धूप आ जाती है तो फायदेमंद रह सकता है आपके लिए। तो ब्लड प्रेशर में इस समय समस्याएं बढ़ जाती हैं डॉक्टर भेजा, खान पान को लेकर किस तरह की सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए हमारे ब्लड प्रेशर के? सबसे जरूरी बात है पानी ठीक मात्रा में पिए। अक्सर लोग सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, बिल्कुल, यदि आप थोड़ा गर्म पानी पिए कोसा करके ल्यूक वार्म तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो हम जितना कहते हैं कि सर्दियों में भी आप 6 से 8 glass पानी या लिक्विड अवश्य लीजिए, इससे हमारे शरीर के अंदर एक सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दूसरा, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अच्छे से सेवन करें, और सर्दियों के मौसम में तो खाने का आनंद अधिक आता है जिसमें कि गुड़ से बनी हुई, गुड़ से तिल की बनी हुई चीजें, मूंगफली,
मेवे ड्राई फ्रूट ये सब आपके लिए फायदेमंद है, बादाम अखरोट काजू किशमिश, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। सब्जियां और फलों में भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। हाँ, लेट नाइट हैवी खाना खाने से बचें, ज्यादा तली हुई चीजें कम खाएं, पूरी पकौड़े समोसे तेल वाले चावल, उसे गैस अधिक बनेगी और सर्दियों में वैसे आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि सुबह यदि आपने व्यायाम करना है तो आप इनडोर थोड़ा योगा कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए और फिजिकल मूवमेंट्स कर लीजिए घर के अंदर ही, तो डांस कर लीजिए व्हाट एवर यू लाइक, बट अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग जब ठंड ज्यादा है तो बाहर जाने से बचते हैं, क्योंकि स्मॉग बनता है इस समय। आजकल के मौसम में क्या है कि एक तो पोल्यूशन है और एक फॉग है, और अर्ली मॉर्निंग अगर विंड वेलोसिटी कम है, हवा कम चल रही है, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं स्मॉग, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, टोलिन, ये सब केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक है, तो हम ये ना हो कि स्वस्थ होने की बजाय अपना नुकसान बीमार हो जाए, यहाँ पर खुश रहना चाहिए आपको, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अच्छी डाइट आपको लेनी है, सब खाइए लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, आपके लिए सेहत का अच्छा ही यहाँ पर रूप नजर आएगा आपको। बढ़ते हैं आगे, ओडिशा से हमारे साथ पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है? पुरुषोत्तम त्रिपाठी ओडिशा से बोल रहा हूँ। सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो किसान लोग होते हैं ना जी, उनके काम में हमेशा कमर के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है जी, अक्सर लोगों को जो परिश्रम करते हैं, जो श्रम करते हैं, उनका कमर में बहुत दर्द आता है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा काम ना करो, तो हम कहते हैं ना करें, नहीं करेंगे तो हमारी परिवार का भरण पोषण कैसा होगा, इसके बारे में बताइए। जी, सीधा कमर पर यहाँ पर असर पड़ता है किसानों के, जब वो खेतों में ज्यादा काम करते हैं। डॉक्टर कटोच, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में किसान खेती किसानी तो नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं? सर, देखिए, ऐसा है कि किसान भाई जब खेतों में काम करते हैं जी, तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है हाथों का होता है और कई कमर का ही होता जी, है, उनको झुकना पड़ता है, पीछे मुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आयुर्वेद में जो है और हमारा जो घर में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे जो है मांसपेशियां और जो हड्डियां हैं वो थोड़ी मजबूत होती हैं। सर्दी के दिनों में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि देश के जो है जो विभिन्न भागों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्दी की ऋतु में खाई जाती हैं, जैसे तिल, तिल से बनी हुई चीजें, ठीक है, चाहे वो गचक है, चाहे वो क्या कहते हैं गुड़ और तिल को जो है मिला के जो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से अलसी, अलसी जो है अलसी को पीस के उसका चूर्ण बना के जो है सुबह शाम जो है दिया जा सकता है। अजवाइन, ये ऐसी चीजें हैं जो पीड़ानाशक भी है, मतलब दर्द जो है उसको भी कम करती है और साथ में जो है क्या कहते हैं जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनको स्ट्रेंथन भी करती है। और मखाने जो है, ये तो एक मखाने एक ऐसी चीज है, अब तो क्या क्या कहते हैं फैशन के तौर के ऊपर जो है बड़े बड़े होटल्स में और रेस्टोरेंट में जो इसकी डिशेज बननी शुरू होगी, मखाने दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम, वेरी गुड फॉर बोन्स जी, हमारी हड्डियों के लिए मखाने बहुत ही अच्छे हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा आहार यहाँ पर लेंगे और थोड़ा सा हल्का व्यायाम भी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है कमर की मालिश जरूर करें, तेल से जो है जी, तो इस तरह से आप सावधानियां यहाँ पर बरत सकते हैं और किस तरह से सर्दी के मौसम में अपने आपको सेहतमंद रख सकते हैं जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की बात करें, बचाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोरम कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ। हर जोखिम से निकलकर निकल आए सुरक्षित हो जाए, अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब भूले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम बताए न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का बाधा, योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बढ़ती ठंड में कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है, किस तरह से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रख सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में बेझिझक हमसे पूछिए। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपको बता दें हमारे जो कई दर्शक हैं ईमेल के जरिए भी अपनी जो समस्याएं साझा करते हैं और उन्हीं में से एक ईमेल हमारे पास अभी आई है और मैं उसे कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। और ये ईमेल भेजी है हमें जम्मू से विजय माने जी ने और ये लिखते हैं कि मेरी दादी 60 साल की हैं, उनका वजन 110 किलो है, क्या उनकी पेट के हर्निया का ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा? डॉक्टर रहेजा क्या कहेंगे आप? 110 किलो इनका वजन है, 60 साल उम्र है, हर्निया का ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा ऐसी परिस्थिति में? बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि जितना लेट करेंगे हर्निया आगे चल के उतना ही परेशान करेगा। ये आपको एश्योरेंस होना चाहिए कि ऑपरेशन करने से पहले हॉस्पिटल के अंदर एक पीएसी होता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, जिसमें कि डॉक्टर ठीक से चेक कर लेते हैं कि यदि इनको कोई और समस्या है जैसे ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो आगे चलते हैं। किस टाइप का एनेस्थीसिया देना है, कितनी ड्यूरेशन का देना है, ये सारी चीजें आप अच्छे बड़े हॉस्पिटल में बेझिझक होकर इनका ऑपरेशन करवा सकते हैं यदि आवश्यक है तो। हर्निया के लिए, क्योंकि हर्निया कई प्रकार का होता है, यदि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया हो आगे बढ़ सकते तो आगे आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और परेशान कर सकता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और जांच के अनुसार बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर को आप जिक्र करना चाहेंगे, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी डॉक्टर रहेजा भी जिक्र कर रहे थे कि सुबह शाम के समय स्मॉग सा होता है, लेकिन हमारे किसानों को तो खेतों में सुबह ही जाना होता है, तो ऐसे में किसान किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं? देखिए आयुर्वेद की परंपरा में एक जो हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या जो है उसको कैसे जो है उसका पालन करें और कैसे जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारा जो विहार है वो कैसा होना चाहिए। देखिए आप आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन एक कॉलर अभी अभी जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर रहे थे, फिर आपसे इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हरियाणा से जरीना जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, सुबह सुबह छींके बहुत आती है, सुबह सुबह के समय छींके बहुत आती है, मेरे कमर में दर्द रहता है, नजला जुकाम रहता, नजला रहता है बहुत, तो इसी मौसम में रहता है लगभग सभी समय रहता है, सभी समय रहता है। डॉक्टर रहेजा क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बेसिकली आप एक डॉक्टर से दिखा लीजिए, नाक कान गले के डॉक्टर दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो नजला जुकाम है इसकी कई वजह साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है, तो एक ये एलर्जिक हो सकता है, और सुबह सुबह यदि आप ठंड में जाएंगे तो भी चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी आपको सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है। और जो किसान भाई सुबह खेतों में काम करने जाते हैं उनको चाहिए कि अपने शरीर को ठीक से कवर करके जाएं, थ्री लेयर्स मिनिमम कपड़े के डाल के जाएं, जिसमें कि सबसे नीचे सूती होना चाहिए, फिर मीट में वूलन और जो भी उनको लेयर्स पहनना है, तीन से ज्यादा को पांच कर सकते हैं, लेकिन एकदम सर्दी में जाने से बचे, सुबह उठ के कुछ गर्म पेट जैसे कोई गर्म चीज लेके जाए, खा के जाए, पानी का सेवन करके जाए, जी जी, और बेझिझक होके काम करें, क्योंकि ये तो उनकी दिनचर्या ही है। और दूसरी चीज ये भी है कि यदि आप खुले में काम करते हैं खेतों में, तो खेतों के अंदर तो वैसे भी जो ग्रीनरी है उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल्स कम होते हैं, तो आपको ज्यादा तो फॉग ही तंग करती है या ठंड तंग करती है, तो उसकी आप इसे कवर कर लेते हैं, यदि सिर को, नाक को, मुंह को और बदन को, तो और मेरे ख्याल ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं। इसी संबंध में डॉक्टर कटोच आप क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए ज्यादातर जो सांस का जो सिस्टम है उसमें जो इन्फेक्शन होती है उसका जो मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो नाक है जी। तो जैसे हम ये मास्क पहनते हैं, हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में लिखा गया है कि नाक में जो है तेल जो है लगाना चाहिए, उससे क्या है कोटिंग हो जाती है, जो नाक की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, तो बाहर से जो डस्ट पार्टिकल्स या जो कोल्ड जो फ्यूम्स वगैरह है तो वो अंदर व्यवस्था का पहुंच जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, तो एक तो ये बचाव का एक बहुत अच्छा एक अच्छा उपाय। दूसरा ये है कि जब बाहर निकले तो बाहर निकलने से पहले जो है गर्म पानी
चाय पी लीजिए या क्या कहते हैं ये जीरे वाला पानी पी लीजिए या सौंठ वाला पानी पी लीजिए। इससे क्या है कि जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है ये थोड़ी इम्प्रूव होती है। अब जो क्या कहते मतलब जिनके पास जो है थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है रहता है तो केसर जो है एक ऐसी चीज है जो पेरिफेरल सर्कुलेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है जी। ठीक है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए जो है ये एक अच्छा उपाय है कि गर्म पानी पीते जाएं या गर्म पानी में जो है कोई चीज डाल के जैसे मैंने बताया सौंफ डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं या ये केसर डाल जी। तो इस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान से अरविंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम जी मेरा सवाल है कि जैसे अपने कणक के साथ जैसे ज्वार बाजरा मक्का वगैरह जैसे रागी वगैरह क्या मात्रा के साथ आटा पिसा के खा सकते हैं? गेहूँ के साथ किस तरह का, यहाँ पे मल्टीग्रेन के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। जैसे गर्भवती औरत के लिए क्या मात्रा होनी चाहिए और जैसे बच्चों के लिए छोटे क्या? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके लिए हम हमेशा ऐसे रिकमेंड करते हैं बी नेचुरल स्टे नेचुरल ईट नेचुरल लिव नेचुरल। जो कुदरत ने हमें दिया है हमें इसको सही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इस मौसम में गेहूं के अलावा बज्जा बाजरा का आटा बहुत अच्छा है हमारे लिए, मक्का मक्के की रोटी सरसों का साग बहुत अच्छा है, सीजनल है, उसमें ग्रीन भी है और साथ में फाइबर भी है, और रागी ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन हमें इनको सही मात्रा में जी इन रोटेशन लेना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो यदि आप देखें आजकल रागी का नया फैशन हो गया है, इवन जो बहुत रिच है वो भी रागी की रोटी खाने लगे हैं वेट के लिए। तो हम हमेशा कहते हैं मल्टीग्रेन आप इन आटा को मिक्स कर सकते हैं सही मात्रा में, जैसे उसमें चने का आटा अधिक मात्रा में लीजिए, उसमें थोड़ा गेहूं का आटा अधिक मात्रा में लीजिए, उसमें चने का आटा मिला लीजिए, सोयाबीन का आटा मिला लीजिए जी, और बाजरे की रोटी चटनी के साथ बहुत अच्छी है, खा सकते हैं बिल्कुल, लहसुन की चटनी बनती है, ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद है। शहद और अदरक, जैसे हम सर्दियों में सुबह काम करने जाते हैं हमारे किसान भाई, तो एक काढ़ा टाइप इसको कहते हैं हम कि जिसमें कि गर्म पानी में आपकी इलायची अदरक सौंठ काली मिर्च और लौंग इलायची ये सब डाल के शहद डाल के ले सकते हैं। ये सारे आपको एक तो ऊर्जा देंगी, शरीर में गर्मी देंगी, और हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है जो रक्त का प्रवाह है धमनियों को खोलती है वो बढ़ जाता है और हम फ्रेश भी फील करते हैं और हमारा इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है। और आप देखेंगे आजकल COVID-19 के टाइम पे कोरोना के समय में हमने ये चीज हर एक व्यक्ति को एडवाइस करा है जी। ये अपना इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए आप अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी लें, स्वस्थ बनाए रखने के लिए बिल्कुल। डॉक्टर कठोर, जैसे मैं आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी डॉक्टर हेजाई कह रहे थे कि हम अगर खान पान का अच्छा सा यहाँ पर प्रबंधन करते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। हमारी रसोई, हमारी अगर हम भारतीय रसोई की बात करें तो उसमें बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में आयुर्वेद के लिहाज से आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न जो है आपने किया है कि क्योंकि जो चिकित्सा है या जो सावधानी बरतनी है घर में अगर कोई उपाय है तो उन्हीं का इस्तेमाल करके जो है अगर किया जाए। अब देखिए इससे पहले जो प्रश्नकर्ता थे जिन्होंने कहा कि अनुपात क्या होना चाहिए विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिलाने, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि देखिए एक तो ये देखना पड़ता है कि वो जो घर के लोग हैं उनका खाना पीना कैसा है और वहाँ पे किस प्रकार की वस्तुएं जो है उपलब्ध हैं। अब जैसे राजस्थान है या गुजरात है मध्य प्रदेश है ये है, तो सर्दी के दिनों में जो है जैसे 5 किलो अगर गेहूं का आटा है तो उसमें 1 या 1.5 किलो जो है वो आप जो है रागी का आटा मिला दीजिए, या जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है या जिस परिवार में जो है बुजुर्ग है और जो है जोड़ों में दर्द रहती है तो वहाँ पे जो है वो आप अलसी मिला सकते हैं, अलसी मिला सकते हैं ठीक है। और अच्छा जहाँ पे जो है जैसे औरतें हैं और जो है खेतों में ज्यादा काम करने वाला तो वहाँ पे गेहूं में जो है सोयाबीन मिला सकते हैं
तो एक 5 किलो गेहूं के आटे में जो है 1 या 1.5 किलो जो है सोयाबीन का आटा मिलाया जा सकता है। और इसके विपरीत जब गर्मियां हैं तो गर्मियों में क्या है कि पसीना ज्यादा आता है, ठीक है, और तो वहां पे गर्मियों में जो हम जौ का अभी देखा होगा जौ के सत्तू जो है गर्मी में उगाए जाते हैं वो एकदम एनर्जी देते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें, सॉल्युबल फाइबर होता है, इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम विभिन्न प्रकार के जो है दो दो अनाजों को मिला के जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो उपस्थित चीजें हमारे पास जो घर में जो विद्यमान चीजें हैं हमारी रसोई में जो है उसमें सबसे प्रमुख है जो है हल्दी। तो हल्दी जो है आपने देखा होगा आप तो हल्दी जो है अमेरिका पहुंच गई है, वहाँ पे दूध में डालते गोल्डन मिल्क उसको कहा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एलर्जिक है, एंटी सेप्टिक है, इम्यूनिटी प्रमोटर है, ये बहुत अच्छी। दूसरा हमारे घर के आंगन में जो है तुलसी लगती है, तो सर्दियों में होने वाला ये जो खांसी जुकाम एलर्जिक उसके लिए जो है तुलसी के पत्ते, अगर सूखे हुए पत्ते पी चाय पत्ते जो है गर्म पानी में डाल के चाय के साथ चाय जैसा बना के पी सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने जो एक काढ़ा जो है वो प्रमोट किया प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर जिसको आयुष काढ़ा कहा जाता है, उसमें 4 चीजें हैं, उसमें यही है तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है और काली मिर्च है। अब ये चारों की चारों चीजें जो इनकी तस्वीर जो है गर्म है ये तो बात होगी कि बड़े किस तरह से यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बना रख सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें वो तो बहुत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है उनकी इम्यूनिटी, जैसे नवजात शिशुओं की ही बात करें तो ऐसे में किस तरह से उनके लिए एक सावधानियां बरती जा सकती है, क्या कहना? देखो नवजात शिशु है जब तक जो है वो क्या कहते हैं अपनी माँ का दूध पी रहा है तब तक जो है माँ को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी किस किस्म का जो है खाना खाए, ठीक है। तो क्या कहते हैं माँ जो है उसका जो है पाचन पाचन जो है वो ठीक रहना चाहिए, ठीक है, उसकी खुराक जो है ठीक रहनी चाहिए क्योंकि उसी से जो है वो दूध जो है क्या कहते हैं बच्चे को जा रहे हैं। हाँ, अगर वो उसका जो है दूध विकृत होगा, अगर वो उसका माँ का पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा तो वो बच्चे के ऊपर भी असर करेगा। बढ़ते बच्चों के लिए जो है एक बात बहुत जरूरी है कि एक तो समय पे खाना, और आजकल क्या है कि बच्चे जो है ज्यादातर जो है ठंडी चीज खाना ये सर्दियों में जो है इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे फ्रिज से चीज निकाली और एकदम खा ली फ्रूट निकाला वो गलत है, उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दे और जो दाल सब्जी है ये चपाती है वो गर्मी खानी चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे व्यंजन है जो सर्दियों में विशेष रूप से बच्चों के लिए उपयोगी है, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब हरियाणा वगैरह में पिन्निया बनाई जाती है, मेथी की पिन्नी, ठीक है, या गोंद के लड्डू, ये सारे जो है पौष्टिक होते हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, ठीक है। तिल का सेवन है, तीन चीजों का फायदा है, इन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान रखें, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी, चाहे बड़ों की बात हो, बच्चों की बात हो, नवजात शिशु की क्यों ना बात हो। जब हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम का नाम सुनकर हमें कोरोना भी याद आ जाता है, कोरोना का नया वेरियंट है यहाँ पर नजर आ रहा है ओमिक्रॉन, तो इसके बारे में डॉक्टर रहेजा क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को किस तरह से आप सतर्क करेंगे, जागरूक करेंगे? सबसे जरूरी बात है ओमिक्रॉन नया वेरियंट आजकल सुन रहे हैं, न्यूज में भी है, सोशल मीडिया पे भी है और भारत में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे इसने 91 देशों में अपना पैर पसार लिया है, यूरोप, कनाडा, यूके, अमेरिका, सब जगह इसके, फ्रांस, सब जगह केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं क्योंकि ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, ये एक दूसरे से दूसरे जल्दी जाता है, संक्रमित जल्दी होता है, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। सबसे जरूरी बात है नॉट टू पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय हमें सतर्क रहने की जरूरत है, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है और उसमें 3 चीजें जरूरी है। माफ कीजिएगा डॉक्टर रहेजा, रोक रही हूँ आपको, तीनों चीजों के बारे में जानूंगी, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या का समाधान पहले उन तक पहुंचा देते हैं। हम यहाँ पर राजस्थान से सुभाष जी फोन लाइन पर है। हेलो सुभाष जी, हेलो जी, नमस्कार। सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज सुन लीजिए, हमसे बात कीजिए। हेलो नमस्ते मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरे पैरों में और कमर में दर्द रहता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है आपके, उम्र कितनी है आपकी? मैडम मेरे पैरों में और घुटनों में दर्द रहता है, सर्दियों में जकड़न हो जाता है पूरा शरीर, खेत में काम करता हूँ तो। उम्र कितनी है आपकी सुभाष जी? 45 साल है। 45 वर्षीय है, और डॉक्टर रहेजा क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, आप खाना अच्छा खाइए जिसमें कि 45 साल 45 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि गाय का देसी घी है, अलसी के बीज है, अदरक सौंठ, ये सब अधिक लीजिए और एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, इसका कोई और भी बीमारी तो नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप या कुछ
और कोई डिफरेंस की वजह और भी आर्थराइटिस मेन है जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ज्यादा कॉमन होता है, तो आप इसकी जांच अवश्य करवा लीजिए और उसी के अनुसार आगे दवाई लीजिए। जैसा कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है वैक्सीनेशन। नंबर वन मैं बताऊंगा, वैक्सीनेशन सभी को लगवाना जरूरी है और भारत ने बहुत ही फास्ट ट्रैक पे वैक्सीनेशन किया है। यदि आप देखें भारत ने डिफिकल्टी रिलीफ एरियाज में भी अभी 135 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं हम लोग और सरकार के द्वारा फ्री वैक्सीन दी जा रही है और अब तो घर घर दस्तक ये मुहिम चलाई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि जो बच गए हैं उनको पहली डोज जिन्होंने नहीं लगवाई वो लगवाएं, जिनका सेकंड डोज जो है वो अवश्य लगवाएं। इससे आपको एक तो इन्फेक्शन होने का चांस कम है और यदि होता है भी इन्फेक्शन आपको कोरोना से तो उसकी जो सिवियरिटी है वो कम होगी, बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होगा तो आप घर पे रह के भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के लिए क्या करना है, बचने के लिए आपको मास्क जरूर लगाना है और ये देखा गया है कि ये मास्क जो है ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है, इसका डॉक्टर साइड भाग रखी है, इसका ये जो क्लिप है ये ऊपर रहना चाहिए, इससे अपने पूरा मुंह और नाक को अच्छे से कवर करना है। ये हमने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें की ज्यादातर 86% से अधिक व्यक्ति या तो मास्क लगाते नहीं है या लगाते हैं तो ठीक से नहीं लगाते, किसी ने ऐसे लगाया हुआ है, किसी ने ऐसे लगाया हुआ है, कोई ऐसे लगा के घूम रहा है तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको ठीक से मास्क लगाना जरूरी है, दो गज की दूरी है बहुत जरूरी, दूर से नमस्कार करिए जो भारत की पद्धति है, हाथ मिलाने से, किस करने से, जफ्फी मारने से जिसको हगिंग कहते हैं उसको अवॉइड करिए। और तीसरी चीज अननेसेसरली ट्रेवल को अवॉइड करिए, सोशल गैदरिंग जैसे भीड़ भाड़ की वाली जगह पे ना जाएं, घर में फंक्शंस को जहां तक हो सके ना करें इस समय, बहुत जरूरी है। तभी आप यदि कोई गैदरिंग करना भी चाहते हैं तो खुले में करें क्योंकि ये भी स्टडी आ गई है WHO के द्वारा कि वेंटिलेशन अच्छा है तो कोरोना होने का चांस कम है और हैंड हाइजीन सबसे जरूरी बात है जिसमें कि यदि आप के हाथ गंदे हैं तो साबुन पानी से 20 से 40 सेकंड, और यदि आप हाथ धोने में सुविधा नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करिए। सारी सावधानियां हमें जन भागीदारी करना है, सिक्योरिटी के तरीके से करना है, हम हमें भी अपना है, दूसरों को भी यहाँ पर जागरूक करना है कि वो ये सावधानियां तमाम जरूर बरते। आगे नैनीताल से आशीष जी फोन लाइन पर है, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुँचाते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी एज 24 है जी, तो मुझे ना बार बार ग्रंथि से ज्यादा पीला हो जाता है और फैटी लीवर और ये दोनों साइड नीचे किडनी की साइड दर्द होता है लाठन टाइप की जी। तो आपने मतलब किसी डॉक्टर को दिखाया है? मैम दिखाया है, अल्ट्रासाउंड भी कराया, फैट और एलएसटी भी करवाया था, तो हल्का हल्का लीवर बड़ा निकलता है और ज्यादातर पीला निकल जाता है कभी 2 पॉइंट से ज्यादा ऐसे। मुझे एक साल में 2 साल में 4 बार हो गया, अभी हाल में चेक कर रखा, एक हफ्ते पहले तो कुछ था 1.28 था। हाँ देखिए ऐसा है कि आप जैसा बता रहे हैं उससे ये लगता है कि निश्चित रूप से जो है आपके लीवर में जो है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लीवर जो है वो कहते हैं विकृत है, वहाँ पे जो है फैट इकट्ठी हो रही है। अब फैट इकट्ठी हो रही है इसके जो है कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपका जो है खाने पीने में जो है आप जो है चिकनाई वाली चीजें अगर ज्यादा लेते हैं और जो आपका जो सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और डाइजेस्ट करने के बाद जो है जो अतिरिक्त जो फैट है वो जो है जमा होनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि आप जो है हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी ना करते हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह ना करते हो, व्यायाम वगैरह ना करते हो, कुछ कुछ करते हो, पर इसके लिए जो है हमारी सलाह यही रहेगी कि आप जो है एक निकटतम जो है चिकित्सालय में जाके किसी डॉक्टर को विशेषज्ञ को मिलकर जो है वो जैसे निर्देश देता है जो एडवाइस आपको करता है या जो दवाइयाँ और खान पान का जो परहेज बताता है वो उसको फॉलो करें। जी बिल्कुल, तो आपको क्या करना है आशीष जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और इसी के साथ हम लोग रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहे हमारा लाइव ऑनलाइन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। मैच
journey of insurance and investments began at the same time. When I invested in LIC Seed, in this fast-moving world, Seed can balance your funds with security and growth. Seed will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the life of value. And when Seed is with you, you get certified! LIC's unit-linked insurance plan Seed offers savings and protection so that you can survive in your life. Always help on after side. रेतवाल आप सभी का फिर स्वागत है माय लाइफ ओन एंड कार्यक्रम स्वास्थ्य के संग। आज हम चर्चा कर रहे हैं बढ़ती हुई ठंड में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है और हमारे विशेषज्ञ मौजूद है आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त देख रहे हैं एक मेल मेरे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में अब शामिल जरूर करूंगी। बिहार के सीतामढ़ी से मिताली जी का मेल आया है डॉक्टर साहब, और ये जानना चाहती है कि पोलियो की मुंह से पिलाई जाती है, इसलिए क्या दस्त रोग से पीड़ित बच्चे को इसे पिलाने से कुछ असर होगा क्या? डॉक्टर रजा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको दवा देने में इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये अब्सॉर्ब हो जाती है और उसके बाद जो एंटीबॉडीज बननी है वो शरीर में बन जाती है। तो यदि आप देखें अभी तो हम कोरोना ये पोलियो मुक्त है, तो हमें जरूरी है कि हम इसको ठीक से सभी बच्चों को बढ़ते हैं आगे। हरियाणा से राकेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। आइए। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? राकेश जी अपना सवाल पूछिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। सर्दी में एनी डिप्रेशन बढ़ जाएगी। सर्दियों में डिप्रेशन बढ़ जाता है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छा प्रश्न आपका ये जी। सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं हमको, हम इनको, और ये ज्यादातर बहुत अधिक ठंडे देश हैं जैसे कि रशिया है, जहाँ पे बहुत लंबी रात है, बहुत ठंड होती है, वहाँ अधिक होता है। या जो एल्डरली व्यक्ति हैं जो अकेले रहते हैं या जिनको पहले से डिप्रेशन की टेंडेंसी है, तो उनमें ये बीमारी सर्दियों में अधिक होती है। उसकी वजह यह है कि दिन क्या दिन छोटे होते हैं, सूरज की रोशनी कम होती है और रात लंबी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि एक तो परिवार के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, खुश रहें, खाना अच्छा खाएं, दिन में बाहर जरूर निकलें। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं कि व्यक्ति धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं, कहते हैं ना धूप सेक रहे हैं बैठे हैं जी, उसका आनंद आप अवश्य लीजिए तो आपको ये बीमारी होने की टेंडेंसी कम है। पर ऐसा होता क्यों है? ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि रात लंबी है और यदि आप ये ज्यादा है, आप काफी अकेले रहते हैं, तो ये देखा गया है कि जब लंबी रात है, ठंडी रातें हैं, आप घर के अंदर ही बंद रहते हैं, तो आप सोशल इंटरेक्शन नहीं ज्यादा करते हैं जी जी, तो उसकी वजह से ऐसा होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप जुड़े रहिए। यदि आप फिजिकली, आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक और सेलफोन है, तो आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने आप को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए। हाँ, यदि घर में आपके एल्डरली व्यक्ति हैं तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको ज्यादा समय दें, उनका ज्यादा ध्यान रखें, उनको बाहर दिन में घुमाने ले जाएं। और इसके अलावा जो आपके घर के आसपास भी यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है और अकेला रहता है, तो आपको चाहिए कि उनसे आप इंटरेक्ट करते रहिए सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है, ताकि वो बिजी रहे। और इसके अलावा ये अक्सर देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एल्डरली या अलग अकेले रहते हैं, पड़ोसी जो है आपके आस पड़ोस जो है उनका ये कर्तव्य बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि आपको कोई समस्या भी होती है रात में या दिन में जी जी, तो उनका जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाई को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ सकता है, एस्थमेटिक है, सांस की बीमारी है तो दवाइयां रीएडजस्ट करनी पड़ सकती है, खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, तो इस तरह से आप ना केवल अपने घर के आसपड़ोस के जितने भी लोग हैं उनका भी यहाँ पर आप इसी तरह से ध्यान रख सकते हैं, सामाजिक दायित्व है, बिल्कुल निभाइए आप और ना केवल खुद स्वस्थ रहिए बल्कि बाकियों को भी स्वस्थ रखने में मदद कीजिए। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल को
हेलो जी जी आपका सवाल हम सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, हमारे आपकी धर्म पत्नी को क्या समस्या है? हेलो हेलो हेलो, आपका सवाल हम यहाँ पर साफ तौर पर ना सुन पाए हैं और शायद कनेक्ट नहीं है अब आप हमारे साथ। तो ऐसे में देखिए, जब भी आपको हम कहते हैं आप नेटवर्क एरिया में आकर कॉल कीजिए तो ये इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका सवाल हम नहीं सुन पाते हैं, तो इसके चलते जवाब आप तक नहीं पहुंच पाता है आपकी समस्या का। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर पटोच आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे बात करना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर रेजा ने कहा कि बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका ध्यान रखें, और किस तरह से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते। देखिए, सर्दी के दिनों में जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डिप्रेशन या सीजनल जो है इफेक्ट्स होते हैं जी। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। कई पर्सनैलिटी जो है वो क्या कहते हैं, मतलब डिप्रेशनिव पर्सनैलिटी होती है क्लाइंट की, ठीक है, वो जो है ज्यादा प्रभावित होते हैं क्या कहते हैं सर्दी के दिन। तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी सोशल इंटरेक्शन जो है बढ़ानी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन बढ़ानी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, नकारात्मक जो विचार है वो जो है अपने उसमें ना रहें, और घर के सदस्यों के साथ जैसे बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनके साथ बात अपने आप को अकेला ना रखें, ठीक है, टीवी देखें, क्या कहते हैं अपना समाचार पत्र पढ़ें या कोई पुस्तक पढ़ें, या अगर म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक जो है उसको सुने, ठीक है, और डांस कर लें, तो अपने आप को जो व्यस्त रखें, अकेला रखेंगे तो डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, सोशल इंटरेक्शन जो बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि सर्दी के दिनों जो है ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे दिन, क्योंकि इस वक्त पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, ठीक, और क्या कहते हैं आप एक्सरसाइज भी ज्यादा कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कितना पसीना आता है और कितनी हीट निकलती है, तो सर्दी के दिनों में जो है एक उपयुक्त समय है जब हम एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं, परंतु एक्सरसाइज के साथ साथ जो है पोषण हमारा जो है अच्छा होना चाहिए, और पोषण के लिए जो है हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे किशमिश है, मेवा है, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, ये कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमें आहार से नहीं मिलते नॉर्मली, जो हम ऐसे आहार से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप अपनी सेहत को बिल्कुल अच्छा बनाए रख सकते हैं सर्दी के मौसम में। वीर सिंह जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनकी समस्या आइए जान लेते हैं। हेलो जी, वीर सिंह जी पूछे अपना सवाल। हाँ मैम, हमारा सवाल ये है कि हमारे लड़के की मिसेज है वो 6 महीने की प्रेगनेंट है, जी। तो वो प्रेगनेंट नहीं थी तो उसको पहली डोज लगती थी कोरोना की जी। तो डॉक्टर ने दूसरी डोज के लिए मना कर दिया था, डॉक्टर ने क्या दूसरी डोज उसको लगवा सकते हैं हम? बिल्कुल, डेफिनेटली प्रेगनेंट वुमेन के लिए ये भारत में जो वैक्सीन अवेलेबल है कोविशील्ड को वैक्सीन ये अप्रूव्ड है। आपको ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से अधिक है सभी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको इम्यूनिटी आप इससे बचाव कर सकते हैं दूसरी चीज, और इन्फेक्शन होने से भी बचेंगे, पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, लो इम्यूनिटी है, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक लंग डिसीज, क्रॉनिक लीवर डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट, इनको लगवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर बेझिझक होकर लगवा सकते हैं। बिल्कुल, अब जो कार्यक्रम है अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में मैं आपसे 10-10 सेकंड में आपकी राय जानना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। डॉक्टर रेजा, हमारे दर्शकों को सर्दी के मौसम में क्या सलाह देंगे आप? सर्दियों का मौसम स्वास्थ्य का मौसम है, खाना पौष्टिक खाएं, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज अच्छी से करें, हाइड्रेशन को मेंटेन करें, खुश रहें, नींद पूरी लें, योगा प्राणायाम डीप ब्रीदिंग सब कुछ करते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ मास्क है जरूरी, इसको लगा के घर से बाहर जाएं। तो इस तरह से सर्दी के मौसम में आप खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर कटोच आपकी भी यहाँ पर राय जानना चाहेंगे। देखो, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये जो दक्षिणायन जो है, दक्षिणायन का जो है ये अंतिम ऋतु है, ठीक है, और ये ठंड जो है सबसे ज्यादा इस वक्त होती है, इसके बाद जो है क्या कहते हैं 15 जनवरी के बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है मौसम जो है वो सुधरना शुरू हो जाएगा, उत्तरायण शुरू हो जाएगा। तो इस मौसम में जो है सबसे 3 चीजें इम्पोर्टेंट है, हमारा आहार, हमारा विहार और हमारा व्यवहार, ये तीनों जो है संतुलित होने चाहिए,
अच्छे होने चाहिए और अगर इन दिनों में अगर हम ठीक रहे तो आगे का आने वाला समय उसमें भी ठीक रहेंगे, उसमें भी ठीक रहेंगे। तो ये बहुत अहम समय है, इस समय अगर आप ठीक रहते हैं तो आगे भी बिल्कुल यहाँ पर ठीक रहेंगे ही रहेंगे। तो दोनों ही विशेषज्ञों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शक के साझा की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी सलाह आप तक पहुंचाई है उनसे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें हम आपके आभारी भी है। पिछले सप्ताह बहुत सारी मेल्स हमारे पास आई है, जैसे कि जमशेदपुर से प्रिया ने पूछा है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन वो गर्भधारण नहीं कर पाई है, क्या कर सकती है। वहीं जलपाईगुड़ी से नेहा के 4 साल बेटे को चाइल्ड ऑटिज्म की समस्या है, किन से मुलाकात कर सकती है वो और दिल्ली में कौन सा डॉक्टर है। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को हम हमारे विशेषज्ञों के समक्ष रखें, समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हो, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लिखते रहें और हमें मेल करते रहें, इसके लिए सबसे पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही हमारी आती हमारी ईमेल आईडी की, हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन के साथ देखते रहिए। नमस्कार। शरीर पर नजर आने लगे जब दाने, अंडों का उत्पादन और आहार लगे गड़बड़ाने, मुर्गियों और चूजों पर वायरस का ना हो प्रकोप, सावधानी अपनाकर कैसे लगाएं इस पर रोक। देखिए फाउल पॉक्स, मुर्गियों में चेचक रोग, लक्षण और बचाव, अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभु की, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी।